हे hey गाइस आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताने जा रहा हूं जो आपको खरीदना ही पड़ेगा बस पैसा तैयार रखो पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया स्टॉक मार्केट में तो आप तैयार नहीं हो यहां पर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अगर मैं कुछ बोलता हूं तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ हो सकता है कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ लेकिन अगर विवेक विंद्रा जी अगर कुछ बोलते हैं तो इसको गलत बोलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि विवेक विंद्रा के पास कौन नहीं काम करता मारुति से लेकर सोच सकते हो मारुति जो फिफ्टी मार्केट कैप करता है ऑटो सेक्टर का महिंद्रा ले लो महिंद्रा से जितने बड़े बड़े सभी बड़े, बड़े लोग आते हैं इनके पास, और साथ में मार्केट। ठीक है? कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यहां अगर आप वीडियोस में जाओगे तो टोटल तो वीडियोस आपके सामने नजर आ जाएगा और यहां पर मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था मेरे फेवरेट फाइव डेट फ्री शेयर लाखों में खेलोगे केवल पांच स्टॉक मैंने बताया था क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं वीडियो बनाया जाता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए और कौन से स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए तो आज तो आज पूरा क्लियर ही कर देता हूं आप लोगों को तो शायद ये वीडियो देख के थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग फील होगा क्योंकि एफ इंडिया का मैं नाम ले रहा हूं हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया क्या किया जाए जो अच्छे स्टॉक होते हैं और अच्छे स्टॉक होते हैं उनका नाम बार बार लिया ही जाता है इतना याद रखेगा बार बार उनका नाम लिया ही जाता है अपने भगवान का नाम हम बार बार लेते हैं क्योंकि जो अच्छे होते हैं और हमारे दिल के करीब होते हैं उसी तरीके से एफ इंडिया के बारे में हालांकि मैंने कई बार वीडियो बनाया है और यह भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना के वो वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मेरे फेवरेट में से एफ इंडिया भी आता है जो कि बिल्कुल डेट फ्री है और आने वाले दिनों में अगर कोई कुछ बड़ा कर सकता है कोई कुछ अगर बड़ा कर सकता है ना तो वो एफ इंडिया को जरूर हम रखेंगे मोबाइल एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है हालांकि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में, OS, मतलब में 8 का खुद का खरीद रखा है एफ एल इंडिया तैयारी में चल रहा है इन्होंने लगभग एट परसेंट की हिस्सेदारी खरीद रखी है छोटा मोटा नहीं होता तो पहले से सोच सकते हैं अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको जाना है तो इतना याद रखिए एफ इंडिया को आपको खरीदना पड़ेगा तो प्रूफ आपके सामने ये रहा कल ही मैंने वीडियो बनाया था यहां पर देख सकते हो आपके सामने डेट है और जो थंबनेल है वही है अब वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं केवल मैं आपको थोड़ा सा प्राइस दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को अनुमान हो जाएगा ये मिनट एक मिनट एक ठीक है मे तो यहां पर देख सकते हैं लगभग मैंने जब बताया था यह शेयर का प्राइस कितना चला था टू के आसपास चला था एफ इंडिया और अभी कितना चल रहा है तो आपने देखा ये मैंने कितने में बोला था टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड में अभी कितना चला है टू थाउजेंड फाइव टेन परसेंट का सर्किट केवल एक दिन में अब बहुत सारे लोग भाई अपर सर्किट है कुछ भी अपर सर्किट नहीं है टू थाउंड थ्री हंड्रेड में ही ओपन हुआ था देख सकते हैं टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड में ही ओपन हुआ था मार्केट और देखिए धीरे धीरे ये ऊपर गया था देखिए धीरे धीरे ऊपर गया और टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और दूसरा कौन सा स्टॉक है मैं फिर से दिखाना चाहता हूं देखिए वीडियो मुझे बार बार प्ले करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को जो कंपनी ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं आप लोग के साथ कोई चीटिंग कर रहा कराऊंगी हालांकि ये वीडियो ये जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा आप वहां से जाकर देख सकते हो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं भाई गलत है ये तो मैं चाहूंगा आपको प्रूफ दिखा दूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर चेक कर सकते हो तो दूसरा कौन सा स्टॉक था इंडिया मार्ट ठीक है इंडिया मार्ट का आज के डेट में देखते हैं तो ये रहा आपके सामने इंडिया मार्ट कितना है तो लगभग एलेवन टू ट्वेल्व परसेंट का तेजी आप लोगों को देखने को मिला कितने दिनों में लगभग एक दिनों में केवल एक दिनों में हालांकि मैं ये लास्ट वीडियो में बोला हूँ इसको तो मैंने खरीदने के लिए टू थाउजेंड फोर हंड्रेड पर ही बोला था या टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड पर तो सोच सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ हुआ कि नहीं अब इंडिया मार्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ जिन्होंने इंडिया मार्ट को नहीं खरीदा मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंटरनेट से काम करने वाली कंपनी सपोज मानिए ये ऑनलाइन कंपनी है जो इंटरनेट से काम करती है अगर आपने इंटरनेट वाली कंपनी नहीं खरीदा तो क्या खरीदा पूरे इंडिया में आपने क्या खरीदा कुछ भी नहीं खरीदा मतलब जीरो मेरे हिसाब से जीरो क्योंकि देखिए पहले जो पहले जो रियल लाइफ था वो क्या था पहले ऑफलाइन था समझ रहे हो ना आज ऑनलाइन है तो अगर आप ऑनलाइन मतलब देखिए जब कोविड नाइन्टीन आया था तो लगभग थर्टी फोर परसेंट के आसपास जो है ऑनलाइन सिस्टम जो है इंक्रीज हुआ तो बहुत सारे लोग जो है क्यूरियस है ऑनलाइन काम करने के लिए और जितने भी इंटरनेट का कंजप्शन भी बढ़ा था उसी तरीके से जो लोग फिजिकली काम करते थे आज वो घर से काम कर पा रहे हैं आप खुद ही सोचिए ना कितने सारे लोग ऐसे हैं जो केवल मोबाइल से ही पैसा कमा लेते हैं उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता तो अगर आपने इंटरनेट का कंपनी नहीं खरीदा तो क्या खरीदा आज अगर आपको ये लग रहा है महंगा है तो कल को अगर ये टेन थाउजेंड चल जाएगा तो क्या आपको लगेगा सस्ता है आपकी मर्जी है और उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहता हूं सही तरीके से बिल्कुल लॉरस मतलब uh, एक मिनट, एक मिनट। है? है? लैब शेयर का प्राइस कितना है 1, 145, ठीक है, ठीक है? 1, और ये रहा। अभी देख सकते हैं शेयर का प्राइस कितना चल रहा है वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइनटी टू हाइएस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी वन फोर्टी वन लगभग सेवन टू एट परसेंट की तेजी वो भी एक दिन में तो वो वीडियो आप जाके देख लो लगभग मैंने मेरा फाइव फेवरेट स्टॉक बताया था जब वो स्टॉक एक दिन में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं तो अगर आप लंबे समय के लिए रुकने के लिए तैयार हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे पूछने की जरूरत है आप खुद ही देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आप पहली बार वीडियो बना रहे हो तो लगभग मैं ये वीडियो रिपीटेड बना रहा हूँ क्योंकि इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर है वो कन्फ्यूज होते हैं आप डेली वीडियो बनाते मुझे पता ही नहीं चलता मैं कितना पैसा लाऊँ आपको खरीदने के लिए ठीक है इसीलिए मैंने ये कन्फ्यूजर दून किया आप लोगों का अब आते हैं आपके डाउट के ऊपर देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बोले हैं कि आपने जो है विवेक विंद्रा जी का जो है फोटो मतलब कि थंबनेल क्यों यूज़ किया उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं ये देखिए इन्होंने आज एक वीडियो अपलोड किया जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बोलूँगा देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा और ये रहा लगभग थर्टीन आवर्स हो ये वीडियो में केवल इन्होंने दो शब्द ही बताया है केवल दो शब्द बताया जो कंपनी का शेयर का प्राइस हाई से हाई बनाते जा रहे उसको खरीदो और जो लो बनाते जा रहे उसको बेच दो हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था और उसके लिए मैंने आप लोगों को कई दिन पहले ही वीडियो अपलोड मार के बता दिया था यहां देख सकते हैं मैं आपको डेट बता देना चाहता हूँ 15 अगस्त को मैंने एक नॉलेज दिया था आप लोगों को देखिए आज तक लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाए सही है अभी भी बहुत लोगों को बनाया जा रहा है अगर आप चा... देखना चाहते हो देखिए आप अपने केवल ये जाओ यूट्यूब में जाओ यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पर लिखो एक मिनट यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लिखोगे बाय लो एंड सेल हाई अगर यहाँ पर लिखोगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो आप लोगों को वीडियो अपलोड करके कर कर बताएंगे यहां पर देखिए आपको क्या बताया जा रहा है बाय लो ठीक है मैं देखिए व... एक मिनट मोबाइल को फुल स्क्रीन कर देता हूँ ठीक है ये देखिए पहला वीडियो में आपको क्या बताया जा रहा है देखेंसी चैनल को फोकस नहीं कर रहा हूं मैंने सर्च किया सबसे पहला जो वीडियो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर आपको क्या बताया जा रहा सिल है बाय लो सेल हाई बिल्कुल गलत फॉर्मुला है कभी यूज मत करना मैं इतना बोल रहा हूं ना घर में पानी तक पीने को नहीं मिलेगा आपको पूरा पैसा आप शेयर मार्केट में गवा दोगे ठीक है दूसरा वीडियो ये देखते हैं बाय लो बाय लो एंड सेल हाई ये कौन सा फॉर्मूला है भाई बिल्कुल गलत है वन हंड्रेड वन परसेंट गलत फॉर्मूला है अगर देखो आज आपने मेरे से नहीं सीखा कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकता मैं गलत हूं अगर आपने विवेक विंद्रा को भी अगर आपने इग्नोर कर दिया ना, तो याद रखना कल को रोड पे भी नहीं मिलोगे ठीक है इतने सारे वीडियो आपको जो बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है मतलब टोटली फॉर्मूला आपको लो बताया जा रहा है तो टोटली गलत बताया जा रहा है हर जगह मैंने आप मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाया पर साफ साफ मैंने लिखा था आज तक आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है अब देखिए जो नए लोग होते हैं वो बन जाते हैं इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा था बाय लो एंड हाई ये गलत है ये गलत फॉर्मूला है बाय हाई एंड सेल लो समझने की कोशिश करो ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप नहीं समझोगे मैं बोल रहा हूं देखिए अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाता अनपढ़ वो है जो पढ़ना नहीं चाहता ठीक है यह वीडियो आप देखो तो ये देखिए यही वो वीडियो है जो शेयर मार्केट से रिलेटेड लगभग केवल जो है थर्टीन आवर्स पहले यह वीडियो जो है अपलोड किया गया ठीक है यहां पर मतलब आज के डेट में यह वीडियो अपलोड किया गया और वो भी विवेक मिंद्रा जी की तरफ से तो मैं चाहूंगा ये वीडियो

आयशा मोटर आयशा मोटर केवल दस रुपये से स्टार्ट हुआ था केवल दस रुपये से स्टार्ट हुआ था अगर मानिए ये दस रुपये का स्टॉक था अगर ये दस रुपये से कल को हो गया पचास रुपये अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया मत खरीदो अगर यही स्टॉक फिफ्टी रुपीज़ का स्टॉक कल को अगर हंड्रेड हो गया तो फिर बोल रहे भाई ये तो और महंगा हो गया मत खरीदो यही हंड्रेड का स्टॉक अगर वन थाउजेंड चला जाता फिर लोग बोलते हैं भाई ये तो डेली महंगा होता जा रहा क्या करे अब उसके बाद जब ये चला गया था लगभग थर्टी के आसपास जा चुका था तब लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगा होगा खरीद लेते तो ये शेयर मार्केट है सब्जी मंडी नहीं है कि भाई दस कम कर दो भाई दो कम कर भाई दो रुपये कम लगा तो सही हिसाब लगा दो तो भाई थोड़ा सा ये शेयर मार्केट है सब्जी मंडी नहीं है कि आप दो रुपये या पांच रुपए के लिए लड़ोगे ठीक है उसी तरह के मैंने आपको बताया देखिए हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन नॉलेज पे ये कीजिए फोकस कीजिए दस रुपया का स्टॉक पचास बन गया पचास का स्टॉक सौ बन गया सौ का स्टॉक वन बन गया वन का स्टॉक थर्टी बन गया इसलिए कभी भी कौन सा स्टॉक खरीदना जो हायर हाई लगाता जा रहा हायर एंड हायर लगाता जा रहा और ये वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नहीं देखिए ये तो आप विवेक मिंद्रा जी के चैनल पे जाके देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है इसीलिए मैंने ये आप लोगों को नॉलेज दिया था कि जब भी किसी स्टॉक को खरीदना है तो हाई में खरीदना है इतना याद रखिएगा कि कौन सा स्टॉक कितना ज़्यादा हाई जा सकता है हमें कुछ भी नहीं पता तो बाय हाई एंड सेल लो बाय हाई और सेल लो का मतलब क्या है किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो खरीदो कितना वो ऊपर जा सकता हमें नहीं पता अगर आरती ट्रक को मैंने कितने में बोला था ट्वेल्व में बोला था अभी वो थ्री में लोग खरीदने के लिए रेडी हैं और मतलब उनको रातों में नींद नहीं आ रहा वो थ्री थाउजेंड में भी खरीदने के लिए रेडी है जो ट्वेल्व में मिल रहा था मतलब फिफ्टी से भी ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा था तो लोगों ने क्या किया इग्नोर किया लेकिन जब वही स्टॉक महंगे से भी महंगे मतलब डबल से भी ज्यादा महंगा प्राइस में रहा तो बोल रहे भाई दस क्वांटिटी ले लेता तो आज के डेट में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता तो जब वही स्टॉक खरीदते हैं अब देखिए बेचना कब मैंने क्या बोला सेल लो सेल लो का मतलब जब स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देता है ना तो वो कहाँ गिर सकता है ना कोई नहीं बता सकता कोई नहीं बता सकता तो जब कोई स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है तो आप क्या करो बेच के निकल जाओ ठीक है अब देखिए लास्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ देखिए अगर हो सकता है मैं गलत हूँ ठीक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ हाई में खरीदने के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला है तो ये देखिए जो पहला कमेंट था कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर क्या लिखा गया था देखिए मरवाएगा ये बंदा क्या लिखा गया है मरवाएगा ये बंदा मैंने मेरे इन, इनका कहने का मतलब है मैंने क्या बोला हाई पे खरीदने के लिए बोला और लो पे क्या बोला सेल करने के लिए इसलिए मैं आप लोगों को लॉस करवा दूँगा मैं मैं आपको मरवा दूंगा ठीक है तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ ये भी मानता हूं चलो विवेक जी भी गलत है यहां पर जो बुक में लिखा गया अगर वो गलत है तो मैं आपको बोलूंगा चैनल को अनसब्सक्राइब करो और आप जा सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं हाँ मैं गलत हूं मैं गलत रहना पसंद करता हूं ठीक है यहां पर क्या लिखा गया है डोंट टू बाय ए स्टॉक एट बॉटम बॉटम का मतलब क्या आप क्या आप सोचते हो कोई भी स्टॉक जब नीचे जाना स्टार्ट करता है तो क्या सोचते हो बॉटम में करो कहां बॉटम है कहां बॉटम है देखिए विवेक विद्रा जी ने भी बताया कि ये बैंक जब गिरना स्टार्ट किया था तो उसको मत खरीदो क्यों मत खरीदो क्योंकि वो लोअर में मतलब वो डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट किया और ये मैंने ये बैंक को खरीदने के लिए मना किया था टू सेवन रुपीज सॉरी थर्टी सेवन रुपीज के प्राइस में मुझे आज मुझे आज तक तक मुझे ये मैं एक ना ऊपर बोलता हूं ना नीचे बोलता, क्योंकि मुझे वो याद है अगर मेरे जो कस्टमर है टू हंड्रेड थर्टी सेवन रुपीज पे अगर उनको मैंने नहीं बेचा बोला होता उनको बेचने के लिए ना आज के डेट में वो रो रहे होते और सारा पैसा डूब गया होता और जितने जिन्होंने पहले खरीदा उनको पैसे डूबी गया तो वही चीज विवेक बिंद्रा जी ने भी उस वीडियो में बताया है आप जाकर वहां देख सकते हो और इस लाइन को हम पढ़ेंगे डोंट ट्राई टू बाय ए स्टॉक एट बॉटम बॉटम कहां बनने वाला है किसी को नहीं पता और ऑन वे डाउन इन प्राइस मतलब ऑन द वे डाउन का मतलब किसी स्टॉक का अगर प्राइस नीचे जाने लगता है तो मत खरीदो क्यों कितना नीचे जा सकता है किसी को नहीं पता ठीक है और नीचे एवरेज करने की कोशिश तो कभी मत करो ठीक है एंड डोंट एवरेज डाउन कभी भी अगर एक स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं फोर्टी रुपीज से अगर वो थर्टी फाइव रुपीज पे आ चुका है और आप थर्टी फाइव रुपीज से सॉरी थर्टी फाइव रुपीज और आप एवरेज कर रहे हो नीचे जितना शेयर का प्राइस नीचे जब आप एवरेज कर रहे हो तो आप गलत हो क्यों क्योंकि जो आपने स्टॉक बाय किया जो आपने स्टॉक बाय किया वो तो ऑलरेडी गलत जगह आपने इन्वेस्ट कर रखा और आप क्यों पैसा लगाना चाहते हो मतलब और आप गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो ये गलत फॉर्मूला जो पैसा बचा हुआ है ना उसको आप सही जगह इस्तेमाल करो तो आधे लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जाता है आधे लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ लोग पैदाइशी ही बेवकूफ़ होते हैं वो, वो सीखना ही नहीं चाहते वो सीखना ही नहीं चाहते इनको लगता है कि मैं इनको बर्बाद कर रहा हूं और इसीलिए विवेक विवेकविंद्रा जी ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक मंत्र बोला है इसको याद कर लीजिए प्लीज अनपढ़ अनपढ़ वो वो नहीं नहीं तो वो जो नहीं जो जो पढ़ पाते तो है सीखना चाहते समझ में आ गया आप लोगों को यहां पर जो बताया गया तो उसी तरीके से शेयर मार्केट में अनपढ़ वो नहीं जो शेयर मार्केट को सीखना नहीं चाहते अनपढ़ वो सॉरी अनपढ़ वो नहीं जो शेयर मार्केट को सीख नहीं पाते हैं अनपढ़ वो है जो शेयर मार्केट को सीखना ही नहीं चाहते उसी तरीके से जब सही नॉलेज दिया जा रहा है तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो अगर आप अनपढ़ बनना ही चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके ऊपर डिपेंड है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मुझे लाइक्स आते हैं या डिसलाइक आते हैं मैंने कभी लाइक और डिसलाइक के लिए आप लोगों को बोला ही नहीं यहां तक कि चैनल को भी मैंने आप लोगों को नहीं बोला सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कभी नहीं बोला आप लोगों को यह आपकी मर्जी है और मैं चाहूंगा कि आप विवेक विंद्रा जी के चैनल पर जाके पूरी वीडियो को देखो और पूरा नॉलेज लो वहां पर केवल दो ही चीज बताया गया है एक यही चीज बताया गया है कि जो स्टॉक हाई एंड हाई लगाता जा रहा हो उसी को खरीदो जो स्टॉक लो एंड लो लगाता जा रहा उसको बेच दो जो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा बहुत सारे लोग बोलेंगे कॉपी किया है भाई मेरे चैनल पर वीडियो पंद्रह अगस्त को ही अपलोड हो गया था और विवेक विंद्रा जी ने आज के डेट में वीडियो अपलोड किया ठीक है तो अगर इसी तरीके से नॉलेज पाना चाहते हो और अच्छी तरीके से अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और आप अपना डिमेट अकाउंट एलिस ब्लू में ओपन कर सकते हो अगर अपना डीमेट अकाउंट एलिस ब्लू में ओपन करते हो तो यहां पर केवल आपको फाइव हंड्रेड रुपीज लगेगा सबसे बड़ी बात ट्वेंटी फाइव टाइम का कैश में एक्सपोजर दिया जाएगा मतलब ट्वेंटी फाइव टाइम में अगर आप किसी स्टॉक में अच्छा खासा तो प्रॉफिट मिलता है तो काम कर लोगे और ट्वेंटी टाइम का आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इंटर फ्यूचर ऑप्शन कमोडिटी में आपको एक्सपोजर दिया जाएगा ट्वेंटी टाइम का मतलब अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक्स में दस परसेंट का सर्किट मारने वाला है तो केवल दो परसेंट लेके आप निकल सकते हो ट्वेंटी फाइव टाइम का एक्सपोजर मतलब अगर कोई स्टॉक दस परसेंट मार देता है ऊपर सर्किट तो लोग डर जाते हैं लेकिन अगर दो परसेंट का सर्किट है तो आप इजिली प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ट्वेंटी फाइव टाइम का एक्सपोजर आपके पास है ही मतलब अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ है और यहां पर देख सकते हैं 2006 से कंपनी काम कर रही है सेबी से, से रजिस्टर्ड है इंडिया का बेस्ट ब्रोकिंग हाउस है और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलेगा आप लोगों को काम करने के लिए और यहां पर डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे साथ जुड़ने का मौका पा सकते हैं ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा मॉर्निंग मॉर्निंग आप लोगों को वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा और जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करोगे इतना याद रखिए उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप सोच रहे हो कि आज मैंने प्रॉफिट आज मैंने किसी स्टॉक को बाय किया है और कल मुझे वो प्रॉफिट नहीं दिया कल शेयर का प्राइस गिर चुका है तो इतना याद रखिए आपको जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आपने किसी भी किसी भी प्लांट लगाए एक छोटा सा प्लांट का अगर बीज लगाया है आपने किसी पे अगर उसको डेली निकाल निकाल के देखोगे कि आज थोड़ा सा नहीं निकला आज थोड़ा सा नहीं निकलेगा तो वो बीज सड़ जाएगा अगर आप उसको बहुत दिन बाद देखोगे तो पूरा पेड़ आपके सामने तैयार होगा इतना याद रखेगा ये आपके ऊपर डिपेंड है ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आप लोगों को फाइव स्टॉक जो मैंने बोला था मेरे फेवरेट फाइव स्टॉक उसके वीडियो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं क्योंकि जो है वो रियल है डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो